हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ छोटी छोटी स्टोरीज़ पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं अपनी वोकेबेलरी को इम्प्रूव करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सो so येस yes, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माय पर्सनलिटी के ऊपर इससे पहले एक और वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं हमको सभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट कॉन्फिडेंस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, के मिलेंगे और एक दो मॉडल्स के भी सेंटेंस होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर आई एम अ वेरी पैशनेट एंड इमोशनल पर्सन आई एम मै हूँ मीन्स एक वेरी मीन्स बहुत पैशनेट यानी कि उत्साही एंड इमोशनल और इमोशनल यानी कि भावुक पर्सन यानी कि व्यक्ति या इंसान मैं एक बहुत उत्साही और भावुक व्यक्ति हूँ या मैं एक बहुत उत्साही और भावुक इंसान हूँ सिंपली इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है आई एम नॉट सेंग दैट आई एम नॉट से दैट आई एम नॉट सेन ये हमारा क्या हुआ ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है आई एम नॉट सेंग मैं यह नहीं कह रहा हूँ आई एम नॉट सेइंग दैट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई क्राई मैं रोता हूं ऑल द टाइम मैं पूरे समय रोता हूं बट लेकिन आई डोंट फील एन इमोशन आई डोंट फील एन इमोशन मैं कोई इमोशन यानी कि मैं कोई भावना महसूस नहीं करता वैन जब आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा होता हूँ तब मैं कोई भावना महसूस नहीं करता डूइंग होमवर्क अपना गृह कार्य करते समय और रीडिंग और पढ़ते समय देन तब समथिंग इज नॉट क्लिकिंग समथिंग यानी कि कुछ इज नॉट क्लिकिंग क्लिकिंग का मतलब क्या है अचानक से कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आ जाना अचानक से कुछ भी हमारे समझ में आ जाना तो जिस टाइम मैं पढ़ रहा होता हूँ या फिर मैं आ, कोई भी अपना कार्य कर रहा होता हूँ उस समय में भावुक नहीं होता हूँ इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है दिस अप्लाइज टू लर्निंग दिस अप्लाइज ये लागू होता है टू लर्निंग अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्या है हमारा अप्लाइज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है उसके साथ में आई एन जी का यूज़ भी हुआ है यानी कि कॉन्टीन्यूस एक्शन हो रहा है जब कंटिन्यूस एक्शन होता है तो हम उसे किसी भी सेंटेंस के अंदर ले सकते हैं ये लागू होता है लर्निंग यानी कि पढ़ते समय एंड एजुकेशन और शिक्षा के समय आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ग्रेटफुल टू लर्न इन अ स्कूल आई हैव मैं हूँ ऑलवेज यानी कि हमेशा बीन वेरी ग्रेटफुल मैं हमेशा बहुत आभारी रहा हूँ टू लर्न सीखने के लिए इन अ स्कूल मैं एक विद्यालय में सीखने के लिए हमेशा आभारी रहा हूँ एक ही वर्ड है यानी कि बेशक वी ऑल लर्न आउटसाइड वी ऑल हम सभी लर्न यानी कि सीखते हैं आउटसाइड यानी कि बाहर हम सभी बाहर सीखते हैं ऑफ स्कूल हम सभी विद्यालय के बाहर सीखते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता से ठीक है आवर पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता से वी ऑल लर्न ये क्या हुआ हमारा ये वाला प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो होता है वही है ठीक है हम सभी स्कूल के बाहर अपने माता पिता से सीखते हैं ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेशन यानी कि उनकी निगरानी में एंड सोसाइटी और अपने समाज में हम अपने समाज में और अपने माता पिता की ऑब्जर्वेशन यानी कि उनकी निगरानी में सीखते हैं बट लेकिन लर्निंग इन अ स्कूल लर्निंग यहाँ पर भी क्या है कॉन्टिन्यूस एक्शन है क्योंकि स्कूल में क्या है हम सीखते रहते हैं ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आज सीखा और कल बंद कर दिया कॉन्टिन्यू एक्शन है आज भी सीखेंगे कल भी सीख रहे हैं परसों भी सीखा था इस तरीके से तो बट लर्निंग इन स्कूल एक विद्यालय में सीखना इज़ अ लग्जरी और वो एक विलासिता है यानी कि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड और डूइंग गोइंग टू कॉलेज इज़ अ लग्जरी और कॉलेज जाना भी एक लग्जरी है द फैक्ट जो तथ्य है दैट इज़ आई कैन गो बैक मैं वापस जा सकता हूँ टू स्कूल इन टू अ टीचिंग प्रोग्राम मैं एक टीचिंग प्रोग्राम यानी कि पढ़ाने के कार्यक्रम में स्कूल जा सकता हूँ एंड माई बिगेस्ट वरी और मेरा सबसे बड़ी चिंता वरी मीन्स चिंता ठीक है माई बिगेस्ट वरी इज़ मेरी सबसे बड़ी चिंता है टू कीप माई ग्रेड्स अप मेरे ग्रेड्स को मेरे को जो भी ग्रेड्स मिलते, है, मिलते हैं जैसे स्कूल में मिलते हैं ना कि ए ग्रेड बी ग्रेड अब मेरे ग्रेड्स को ऊपर रखना इन अमेजिंग इज अमेजिंग मेरे ग्रेड्स को ऊपर रखना इज़ अमेजिंग यानी कि मेरे जो भी ग्रेड्स आ रहे हैं उनको ऊपर रखते रखना की यानी कि रखना माई ग्रेड्स मेरे ग्रेड्स को ऊपर रखना इज अमेजिंग मेरे ग्रेड्स को ऊपर रखना अमेजिंग है यानी कि वो आश्चर्यजनक है आई हैव नेवर फेल्ट दैट लर्निंग वॉज अबाउट समथिंग जस्ट गिविंग मी इन्फॉर्मेशन आई हैव नेवर फेल्ट आई हैव नेवर फेल्ट यानी कि मैंने कभी महसूस नहीं किया ठीक है आई हैव नेवर फेल्ट मैंने कभी महसूस नहीं किया दैट की लर्निंग वॉज अबाउट जस्ट गिविंग मी इन्फॉर्मेशन कि लर्निंग यानी कि सिखाना वॉज मीन्स था अबाउट मीन्स के बारे में समवन यानी कि किसी को जस्ट गिविंग केवल देना में इंफॉर्मेशन की लर्निंग कभी किसी को किसी के किसी व्यक्ति को देना सिर्फ जानकारी देना है मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि लर्निंग यानी कि सीखना किसी एक व्यक्ति को जानकारी देना है बिकॉज क्योंकि दैट्स नॉट व्हाट इट इज क्योंकि यह ऐसा नहीं है दैट्स नॉट व्हाट इट इज यह ऐसा नहीं है बिकमिंग एजुकेटेड बिकमिंग एजुकेटेड यानी कि एजुकेटेड इन शिक्षित बनना इज एन एम्पावरिंग इज़ एन एम्पावरिंग यह एक सशक्त बनना है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस और परिवर्तनकारी अनुभव है बिकमिंग एजुकेटेड यानी कि शिक्षित बनना एक सशक्त बनना है और वो परिवर्तनकारी अनुभव है ड्यूरिंग स्कूलिंग ड्यूरिंग यानी कि दौरान स्कूल यानी कि विद्यालय के दौरान जब वो स्कूल में पढ़ता है या जब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो मेरे स्कूल में पढ़ाई के दौरान या मेरे विद्यालय में पढ़ने के दौरान आई हैड सम टीचर्स मेरे कुछ शिक्षक थे आई हैड teachers हैड का यूज हुआ है हैड का यूज हम कहाँ पे करते हैं पास्ट टेंस के अंदर आई हैड सम टीचर्स मेरे कुछ अध्यापक थे हु रियली वेंट आउट ऑफ way वे टू टीचर्स हु रियली जो वाकई रियली यानी कि वाकई या वास्तव में या सचमुच ठीक है जो वास्तव में या जो सचमुच ऑफ देयर वेंट आउट का मतलब क्या होता है देखिए यानी कि बाहर जाना मतलब यानी कि अपने रास्ते से हटकर ऑफ देयर वे वो अपने तरीके से हटकर टू टीच सिखाते थे असमीन्स हमें वो अलग तरीके से होता है ना किसी किसी टीचर का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है तो वो अपने रास्ते से हटकर हमें कुछ चीजों को सिखाते थे अपने तरीके से हटकर हमें चीजों को सिखाते थे समथिंग न्यू कुछ नया हमें सिखाते थे लकीली सौभाग्य से दीज फ्यू टीचर्स डिड द ट्रिक दीज फ्यू टीचर्स यानी कि ये जो कुछ टीचर्स थे जो मेरे कुछ अध्यापक थे डिड द ट्रिक उन्होंने वो ट्रिक की उन्होंने वो जो उस तरीके की जो ट्रिक्स थी वो उन्होंने की आई रीड अबाउट डिफरेंट परस्पेक्टिव आई रीड मैंने पढ़ा या मैंने सीखा रीड मीन्स पढ़ना भी होता है रीड मीन्स सीखना भी होता है ठीक है कोई भी चीज को हम जो कहते हैं ना कि ट्रिक मीन्स छल होता है कि छल से करना यानी कि किसी भी चीज़ को किसी भी छल से करना आई रीड अबाउट डिफरेंट परस्पेक्टिव आई रीड मैंने पढ़ा अबाउट मीन्स के बारे में डिफरेंट यानी कि विभिन्न या अलग अलग परस्पेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण के बारे में मैंने अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा अब दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक चीज को किसी और का देखने का नजरिया लगे आपका कोई और नजरिया है तो इसका मतलब क्या कि आप अलग अलग तरीके से उन चीजों को देख रहे हैं एंड और आई वॉज चेलेंज अलॉट चैलेंज अलॉट एंड आई वॉज चैलेंज अलॉट और मैंने बहुत सा मेरे अंदर बदलाव आया कॉलेज रॉकड माई वर्ल्ड कॉलेज यानी कि मेरी कॉलेज ने रॉकड यानी कि हिला दिया माई वर्ल्ड मेरे संसार को या मेरी दुनिया को हिला दिया बिकॉज क्योंकि आई बिगिन टू सी माई सेल्फ इन द करिकुलम बिकॉज क्योंकि आई बिगिन मैंने शुरू किया टू सी माई सेल्फ मैंने अपने आप को देखना शुरू किया इन द करिकुलम मैंने अपने आप को एक पाठ्यक्रम में देखना शुरू किया आई बिगिन टू सी हाउ आई कुड इंफ्लुएंस पीपल आई बिगिन टू सी मैंने शुरू किया टू सी यानी कि देखना हाउ कैसे आई कुड इन्फ्लुएंस मैं कैसे कर सका इन्फ्लुएंस कर चुका पीपल लोगों को मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर चुका इन्फ्लुएंस करना यानी कि किसी को प्रभावित करना एंड सिचुएशंस अराउंड मी और मेरे अराउंड मी यानी कि मेरे आसपास की सिचुएशंस यानी कि स्थितियों को मैं मैंने देखना शुरू किया कि मैं लोगों को कैसे प्रभावित कर सका और मेरे आस की जो स्थितियाँ थी उनको मैं कैसे प्रभावित कर सका आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट इसमें जितनी भी सेंटेंस है ये आप अपने आप से बात कर करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हो उससे आपकी स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी आज की थ्री वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है पूरी कोशिश कीजिएगा क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे और प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी प्रैक्टिस मेरे करने से या किसी और के करने से आपको नहीं आने वाली है सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है पैशनेट यानी कि उत्साही सेकेंड वर्ड है अप्लाइज यानी कि लागू होना एंड थर्ड वर्ड है ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी पैशनेट यानी कि उत्साही अप्लाइज लागू होना ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है कमेंट बॉक्स में लिखना है आज के थ्री वर्ड हैं डिक्टेशन के फर्स्ट वर्ड है हमारा करिकुलम करिकुलम सेकेंड वर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव एंड थर्ड वर्ड है पर्स्पेक्टिव पर्सपेक्टिव इन तीनों ही वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है और इनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया है कैसा लगा है प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग